हाय दोस्तों, वेलकम टू माय ब्यूटी चैनल। सो आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ लास्ट मिनट करवा चौथ फाइनल मेकअप ट्यूटोरियल। एंड ये आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने ट्राई किया था कि सटल मेकअप लुक आपके साथ शेयर करूँ, बट थोड़ा सा यार बोल्ड हो ही जाता है मुझसे। बट दिस वन इज़ रियली सटल मेकअप। कितनी खूबसूरत लग रही हूँ ना मैं, है ना? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे ब्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ विद दी ट्यूटोरियल। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ ये लैक्मे का ल्यूमी क्रीम मॉइस्चराइज़र है, जो कि विद हाइलाइटर है। मॉइस्चराइज़र विद हाइलाइटर, वाओ, मतलब आपने कभी यूज़ नहीं किया होगा ना, तो यू विल बी लाइक शॉक्ड कि यार मॉइस्चराइज़र में हाइलाइटर। मतलब दोस्तों, मुझे ये मॉइस्चराइज़र बहुत पसंद आया। एक तो ये आपके स्किन को हाइड्रेट भी कर देता है फुली, प्लस आपको ये ग्लोई ड्यूई इफेक्ट भी देता है। मैं इसे हाइलाइटर के तौर पे भी यूज़ कर लेती हूँ, और आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे फेस में, बैर फेस में मैंने इसे अप्लाई किया है, और कितना शीन ग्लो कह रही हूँ, शीन ग्लो दे रहा है, बिल्कुल कोरियन ग्लो होता है ना उस तरह का। और ये पिंक कलर में है, स्लाइटली पिंक है। सो इसके बाद मैं यहाँ पे आज फाउंडेशन के लिए यूज़ कर रही हूँ, दो फाउंडेशंस लिए मैंने। एक तो वैसे मूज फाउंडेशन है लैक्मे 925 का, जो कि है इन द शेड बेज वनीला O2 में। ये वेटलेस फाउंडेशन है, और इसके साथ मैंने मिक्स किया है माय फेवरेट करंट मामा अर्थ का ग्लो सीरम फाउंडेशन, विटामिन सी के साथ है ये। और ये मैंने शेड लिया है आइवरी ग्लो O1 में। दोनों शेड को मिक्स करके यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ। लैक्मे का मूस में है, इसीलिए ये थोड़ा सा थिक है कंपेयरिंग टू दी मामा अर्थ का सीरम फाउंडेशन। सीरम वाला है इसीलिए ये बिल्कुल ही होता है ना लिक्विडी उस तरह का है। जो लैक्मे का मैंने यूज़ किया है ना बेज वनीला वनीला, ओ माई गॉड, आज क्या हो रहा है मुझे, बेज वनीला, ये थोड़ा सा डार्क शेड है। बट जैसे ही मैंने इस आइवरी ग्लो को मिक्स किया इस शेड के साथ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा लाइट शेड भी बनकर आया है। जैसा आपका नेक का शेड है ना, उस तरह का शेड ज़रूरी नहीं है कि आपको फेस पे भी अप्लाई करना है, ठीक है? थोड़ा सा लाइट चलता है ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो। सो यहाँ पे देख लो आप, बहुत ही अच्छा ग्लोई फाउंडेशन बनकर आया है। यहाँ पे अब मैं कंसीलर के लिए यूज़ कर रही हूँ मामा अर्थ का ग्लो हाइड्रेटिंग कंसीलर, और ये है इन द शेड क्रेम ग्लो O2। अब आप सोच रहे होंगे कि यार मैं मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स इतने क्यों यूज़ कर रही हूँ, मुझे फ्री मिले हैं तो इसीलिए मैं इतना यूज़ कर रही हूँ। बट ऐसा नहीं है दोस्तों, फ्री मिले हैं, रिव्यू मैंने किया है इन प्रोडक्ट्स का, बट मुझे सच में ये प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगे। बहुत ही लाइट वेट है ऑन द स्किन, एंड बिल्कुल केक ही नहीं होते, फॉर्मूला इज़ अमेजिंग। एंड यस, मामा अर्थ के सारे ही प्रोडक्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि दे आर मेड सेफ, ठीक है? तो ये शेड है थोड़ा सा डार्क, इसका जो O1 वाला शेड है ना, आइवरी वाला ही था शायद वो। अगर आप फेयर स्किन टोन हैं तो आप O1 शेड लीजिए, अगर आप हल्का सा मीडियम स्किन टोन हैं तो आप ये O2 ले सकते हैं, O3 ले सकते हैं, मतलब इसमें बहुत सारे शेड्स आपको मिल जाएंगे। बट मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगा कि मेरे लिए लाइक हाईलाइट इफेक्ट देने के लिए थोड़ा सा डार्क है, इसमें येलो अंडरटोन ज़्यादा है इस शेड में। ये डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं ब्लेंड कर रही हूँ, और ये मैं यूज़ कर रही हूँ प्ल्यूम का। एंड यहाँ पे मैं सेटिंग पाउडर के लिए यूज़ कर रही हूँ कलर एसेंस का, ये ब्राइट टोन नेचुरल ब्राइटनर फेस पाउडर है, इसमें रोज़ एक्सट्रैक्ट है। ये ब्राइटनिंग इफेक्ट के लिए बहुत अच्छा है, एंड इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है, ठीक है? सो आप इसको थोड़ा सा लीजिए और अप्लाई कीजिए अंडरनीथ योर आईज, आईलिड पे, जॉ लाइन पे, ऑप्शनल है, ठीक है? और जॉ लाइन के लिए मैं नहीं कहूँगी कि आप इसे अप्लाई कीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं वाइट में है, तो जॉ लाइन पे ये थोड़ा वाइट कास्ट छोड़ता है। सो आई won't recommend you कि आप जॉ लाइन पर अप्लाई कीजिए। आप बाकी एरियाज पे सेट कर सकते हैं, लाइक फोरहेड पे अगर आपको सी बम की प्रॉब्लम होती है तो उस एरिया में आप इसे लगा सकते हैं। जैसे मुझे ये लिप्स के ऊपर भी ना सी बम की प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैं वहाँ पर भी लगा देती हूँ, और ये बहुत ही अफोर्डेबल है। दिस इज़ जस्ट ₹100 में आपको ये पाउडर मिलेगा, जो कि है लूज पाउडर और बीबी पाउडर। नाउ फॉर द आई मेकअप,
आज का आई मेकअप बहुत सिंपल है, बहुत क्विक है और बिगिनर फ्रेंडली है। एंड ऑल्सो मैंने ट्राई किया न्यूड आई मेकअप लुक करने का, बट मुझसे नहीं हो पाया। क्या करूँ, थोड़ा सा बोल्ड हो ही जाता है मुझसे। सो ये मैं आई मैजिक का प्रोफेशनल कॉस्मेटिक टच ब्लश पैलेट में से मैंने शेड पिक किया है, विच इज़ दी चीक। ठीक है, चीक वाला शेड लिया है और उसको मैंने एज दी ट्रांजिशन शेड यहाँ पे अप्लाई किया है ऑल ओवर माई लिड, ब्रो बोन के नीचे भी। नाउ गाइस, मैं शेड डिस्क्राइब नहीं करूँगी आज, ठीक है, क्योंकि इसमें जितने भी सारे शेड्स हैं दे आर लाइक वार्म अंडरटोन पिंक। सो मुझे नहीं पता कि हर एक शेड के लिए मैं कैसे डिस्क्राइब करूँ। मुझे सारे ही शेड इसमें वार्म अंडरटोन के लग रहे हैं, बट इसमें कुछ पिंक है, कुछ कोरल है, कुछ वार्म ब्राउनिश में है, जिसमें ऑरेंज अंडरटोन है, इस तरह के शेड्स हैं। और यहाँ पे मैं रेने का ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ कर रही हूँ टू ब्लेंड द आई शेडो। और आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके बहुत सॉफ्ट ब्रिसल्स हैं, तो ये बहुत अच्छे से यू नो ब्लेंड कर देता है। और आपने देखा होगा मैं लगातार ये ब्रश यूज़ करती हूँ आजकल फॉर माय आई मेकअप। एंड मैं दूसरी आंखों में भी आपको करके दिखा रही हूँ। ठीक है, इसको फटाफट मतलब कवर योर लिड अच्छे से। ठीक है, इसमें तो आपको इतनी कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ना ही इतना टाइम लगेगा। ये तो बस आप क्विकली अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको बिल्कुल न्यूड सटल सॉफ्ट लुक चाहिए तो बस यही एक शेड अप्लाई कर लो ऑल ओवर योर लिड एंड यू आर गुड टू गो। बट अगर आप चाहते हैं, क्योंकि दिस इज़ माई मेकअप चैनल, सो ऑब्वियसली मैं चाहूँगी कि मैं थोड़ा सा यू नो मेहनत करूँ अपनी आई लुक के लिए, क्योंकि इस तरह का आई लुक हर कोई कर लेता है, हर बिगिनर कर लेगा, सो देयर शुड बी सम मेहनत। दूसरा शेड ग्रैब किया है जो कि है ये एरोमेटिक, ये प्लम शेड है, क्योंकि जो ज्वेलरी मैं पहन रही हूँ ना थोड़ा सा बर्गंडीश काइंड ऑफ कलर है, तो इसलिए मैंने सोचा कि प्लम शेड अप्लाई करती हूँ। बट जैसे ही मैंने प्लम शेड अप्लाई किया इसमें मुझे थोड़ा सा और पिंक शेड नज़र आया, तो आई वॉज़ लाइक अरे यार छोड़ो, पता नहीं क्या शेड ले लिया मैंने। तो इसके बाद मैंने थर्ड शेड लिया जो कि है टेम्पर में, और ये है ऑरेंज वार्म अंडरटोन ब्राउनिश काइंड ऑफ शेड, कोरलिश भी है इसमें, तो ये मैंने अप्लाई कर दिया यहाँ पे लिड पे। ठीक है, देन मैंने ब्लेंडिंग ब्रश लिया और ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से इसको मैं अच्छे से मर्ज कर रही हूँ मेरे ट्रांजिशन शेड के साथ इस शेड को। ठीक है, आप देख रहे हो ना ट्रांजिशन में मैंने अप्लाई नहीं किया है इस शेड को, जस्ट नीचे नीचे लिड पे अप्लाई किया है और इसको मैं मर्ज कर दूंगी। इससे क्या होगा कि एक सॉफ्ट इफेक्ट आएगा आपकी आई मेकअप में। ठीक है, आप जैसे कोई भी ब्लैक शेड भी अप्लाई कर रहे हैं अपने लिड पे और ट्रांजिशन शेड आपने लाइट न्यूड शेड लिया है तो आप इसी तरह से अप्लाई कीजिए, देन आप क्लीन करके अपने ब्लेंडिंग ब्रश को ब्लेंड कीजिए दोनों शेड्स को, तो वो मर्ज हो जाते हैं ना, बहुत अच्छा सॉफ्ट लुक आता है। तो यहाँ पे दोस्तों फॉर दी मस्कारा, ये है नया वाला मेबेलिन में आया है ये लैश सेंसेशनल स्काई हाई मस्कारा, एंड आई थिंक दिस वन इज द ब्लैक वन ओनली, इसमें कुछ शेड वेड नहीं दिया हुआ। ये क्या है, ये थोड़ा सा थिन ब्रश वाला है, आई मीन ब्रिसल्स हैं इसके, तो ये क्या करेगा कि जो प्रोडक्ट होगा ना आपके मस्कारा का वो ये कम लेगा और कम कम करके अप्लाई करेगा आपके लैशेज में, तो इसीलिए इतना ज़्यादा वेस्टेज नहीं होगा। अब मैं यूज़ कर रही हूँ शिमर जो कि है ये लाइम क्राइम का डायमंड ड्यूई, बट दिस इज़ लाइक बिल्कुल होता है ना न्यूड पिंकिश काइंड ऑफ, हाँ उसी तरह का। आई हैव नो आइडिया हाउ टू डिस्क्राइब यार, एक सेकंड में अपने हाथ में लेके देखो। या दिस इज़ लाइक पिंक रोज गोल्ड इस तरह का ये शिमर है, तो इसको मैंने यहाँ पे कट क्रीज सॉर्ट ऑफ यू नो अप्लाई कर दिया है कवरिंग ऑल माई लिड। और इसके ब्रश से आप यू नो ईजिली अप्लाई कर सकते हैं, देर वॉन्ट बी एनी यू नो हेजल, मतलब आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी इसके ब्रश से अप्लाई करने में। और आज का आई लुक में मैंने कोई ग्लिटर नहीं यूज़ किया, ठीक है, इट्स जस्ट शिमर जो कि बहुत ही नॉर्मल सिंपल और बहुत ही, फिर से कहने वाली हूँ मैं ये वर्ड, सटल शिमर है। ठीक है, तो इसको मैंने अप्लाई करके हल्का सा अपने रिंग फिंगर की हेल्प से मैं इसको प्रेस कर रही हूँ और अच्छे से यू नो ब्लेंड कर रही हूँ ताकि ये अब्सॉर्ब हो जाए, थोड़ा फैल जाए और ज़्यादा यू नो शाइनी शाइनी लगे। तो यहाँ पे फॉर द आई लाइनर मैं यूज़ कर रही हूँ ये इबा कॉस्मेटिक का है और ये ब्लैक में है, और यहाँ पे मैं क्लासिक विंग लाइनर ड्रॉ करूँगी जो कि बहुत ही बेसिक क्लासिक विंग लाइनर है। ठीक है, अपर वाटर लाइन है ना, वहाँ से मैं पहले एक लाइन खींचती हूँ। अगर आप बिगिनर है इस तरह से आप स्टार्ट कीजिए,
लास्ट से लीजिए, एक लाइन ड्रॉ कीजिए एंड देन कनेक्ट करके आपको अपने लैश लाइन तक ड्रैग करना है इसको, ठीक है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ये मैट में है तो ये बहुत जल्दी ड्राई भी हो जाएगा, जैसे ही आप इसको अप्लाई करोगे ड्राई आउट हो जाएगा। है केलाइलिस आई लैश एडहेसिव ना, मेरा आजल वाला ख़त्म हो गया तो इसलिए मुझे ये यूज़ करना पड़ रहा है। ये आई लैशेज़ के साथ मुझे रिसीव हुआ था फ्री, और ये लेटेक्स फ्री है, वाइट में है, वाटर प्रूफ ग्लू है, तो इसके हेल्प से यहाँ पे मैं आई लैशेज़ चिपका रही हूँ। ये आई लैशेज़ अमेज़ोन से लिए मैंने, और इसमें सिर्फ अब ये एक दो ही पीसेस बचे हुए हैं, पता नहीं ये सारे लैशेज़ कहाँ गायब हो गए। और मुझे अब ये जो लैशेज़ है ना, ये मुझे अमेज़ॉन में मिल भी नहीं रहा। मतलब अमेज़ॉन में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि अगर आपने एक बार ले लिया फिर दोबारा वो प्रोडक्ट वहाँ पे आपको नज़र आएगा ही नहीं, पता नहीं ऐसा क्यों है। कि अब यहाँ पे मैं आईब्रो फिल कर रही हूँ, और आईब्रो के लिए मैंने मीडियम ब्राउन शेड ही पिक किया है, क्योंकि मीडियम ब्राउन इसलिए कर रही हूँ सो दैट बिल्कुल सॉफ्ट लुक लगे, नेचुरल लुक लगे, क्योंकि अगेन मैं रेने का ब्रश यूज़ कर रही हूँ जो कि गॉर्जियस ब्रश है दोस्तों फॉर योर ब्राउज। मतलब इसका जो ब्रिसल है ना, इट्स लाइक एंगुलर ब्रिसल जो कि ईजिली आपके ब्राउज के लिए कवर कर देगा। उसके बाद अब मैं ब्रॉन्जर के लिए यूज़ कर रही हूँ सेम वन जो कि इससे पहले की वीडियो में मैंने यूज़ किया था, माइग्लाम का पोज HD ब्रॉन्जर डुओ, और इसमें से जो येलो वॉर्म ऑरेंज काइंड ऑफ अंडरटोन शेड है ब्रॉन्जिंग के लिए मैं अप्लाई करूँगी यहाँ पे, और ये है सिनेमन टेराकोटा, ठीक है। मैंने उसमें मेंशन नहीं किया था आपको इसके बारे में, बट दिस वन इज 001 शेड नंबर। अगेन मैं रेने का ही ब्रॉन्जिंग ब्रश यूज़ कर रही हूँ, इसके ब्रिसल्स बहुत सॉफ्ट हैं तो इसीलिए ये ईजिली ग्लाइड होता है और कवर करता है मेरे यू नो चीक बोन्स पे एंड ऑल्सो जॉ लाइन के लिए भी। ये थोड़ा सा आपको पता ही है लूज पाउडर मैंने अप्लाई करके, बट इसको मैं हटा दूंगी। देखो मैंने क्या किया, ब्रॉन्जिंग अप्लाई करने के बाद मैंने इस पाउडर को रिमूव किया, और वहाँ पे आप देखेंगे एक हल्की सी सॉफ्ट लाइन बन जाती है, ठीक है। सो वो एक तरह से गाइड भी हो जाएगा, प्लस बिल्कुल यू नो कट लुक देगा आपके फेस को, एक शेप देगा ये। ब्लश पैलेट में से यूज़ कर रही हूँ, दिस इज़ दी टेम्पर शेड। टेम्पर शेड को मैंने अप्लाई कर दिया मेरे लोअर लैश लाइन पे, एंड ठीक है। और फॉर दी ब्लश मैंने यूज़ किया है शेड चीक, विच इज़ दी सेकेंड शेड फ्रॉम द फर्स्ट रो, और उसको मैंने अप्लाई कर दिया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट लाइक पिंक ही है, बट या वार्म अंडरटोन पिंकिश में है ये, एंड सारे ही मैट शेड्स हैं एंड दे आर सुपर डुपर लॉन्ग लास्टिंग, हाईली पिगमेंटेड, एंड बहुत ही अमेजिंग फॉर्मूला है इस ब्लश का भी। सो यहाँ पे मैंने ये लाइम क्राइम का शिमर ना, मैं अपने ब्रॉ बोन के नीचे भी अप्लाई कर रही हूँ थोड़ा सा यू नो शिमरी इफेक्ट देने के लिए। दिस इज ऑप्शनल, इफ यू डोंट लाइक इट डोंट डू इट, आप हाइलाइटर यूज कर सकते हैं। तो ये मैं टू फेस का यूज़ कर रही हूँ, कनेरी डायमंड, और ये आपको ऐसे देखने में लगेगा रोज़ गोल्ड शेड है, वाह भाई वाह, बहुत ही सुंदर हाइलाइटर है, पर जैसे ही आप अप्लाई करोगे ना यू विल बी लाइक
टॉइन, यू नो, मतलब इसमें आपको थोड़ा सा पर्पल ब्लू इस तरह के शेड्स आपको मिलेंगे, लाइक इट्स लाइक अ होलोग्राफिक काइंड ऑफ हाइलाइटर. मैंने ये परचेज किया इसे क्योंकि ये मुझे रोज़ गोल्ड लगा, तो आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ रोज़ गोल्ड हाइलाइटर दोस्तों, मुझे बहुत पसंद है. वैसे भी ये बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है. अगर आपको इस तरह का पर्पल काइंड ऑफ ग्लो चाहिए, ब्लूइश काइंड ऑफ उसमें होलोग्राफिक इफेक्ट आए, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं. यहाँ पे मैंने अपने यूजुअल एरियाज पे अप्लाई कर. अब मैं लिपस्टिक के लिए, दो लिपस्टिक्स मैंने लिए हैं. सबसे पहले तो मैं यूज़ कर रही हूँ ये टू फेस का है मेल्टेड लिक्विड मैट, जो कि लॉन्ग वेयर लिपस्टिक है, ऐसा मेंशन किया हुआ है इसमें. एंड दिस इज़ इन द शेड माई टाइप. ये बहुत ही ज़्यादा पेल न्यूड होता है ना, उस तरह का. सो इफ़ यू आर मीडियम स्किन टोन, डस्की स्किन टोन, तो मैं आपको ये शेड रेकमेंड नहीं करूँगी. बट जैस इफ़ यू आर फेयर स्किन टोन, लाइट स्किन टोन, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, अच्छा लगेगा फॉर अ न्यूड काइंड ऑफ मेकअप लुक. सो मीडियम स्किन टोन, व्हीटिश स्किन टोन के लिए मैं यही सजेस्ट करूँगी कि पीच अंडरटोन आपको अप्लाई करना चाहिए न्यूड शेड्स. सो इसके बाद मैंने ये नायका का लिया है लिप ग्लॉस, जो कि बहुत ही शिमरी लिप ग्लॉस है, और ये स्टार क्रॉस्ड O4 में है. ये मुझे थोड़ा सा स्टिकी लगा, ठीक है. सो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी ये वाला. आप जो लिप इंजेक्शंस होते हैं वो ट्राई कर सकते हैं टू फेस का. सो या, हेयर इज़ दी कंप्लीट फाइनल लुक दोस्तों. कैसी लग रही हूँ मैं आज? तो आई होप आपको आज की ये मेकअप लुक पसंद आई हो. पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दो. व्लॉग चैनल पे भी आप जरूर जरूर एक नज़र डालिएगा. कोशिश करूँगी आपके लिए व्लॉग्स भी लेकर आऊँ मैं, जैसे मेकअप ट्यूटोरियल लेकर आती हूँ मैं रेगुलर. बस हो गया यार, बहुत ज़्यादा बकबक कर ली मैंने. चलो दोस्तों, बाय.